أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, जो बहुत मेहरबान है। तमाम शुक्र और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, जो रहमान और रहीम है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उनका नहीं जो मग़ज़ूब हुए और मातूब हुए और जो भटक गए, उनका भी नहीं जो कि भटक गए। ये था तर्जुमा। जब हमने शुरू किया तो कहा कि बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से, लेकिन क्या शुरू किया जाए ये नहीं कहा गया, सिर्फ शुरू अल्लाह के नाम से। हर चीज़, हर काम उसी के नाम से शुरू किया जाए। कोई काम हो, कोई इरादा करें हम कुछ करने का, पढ़ना है, लिखना है, जो भी खाना है, पीना है, जो भी करना है, जो काम भी करें हम, वो अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से उस काम का आगाज़ करें जो कि बहुत मेहरबान है। तो क्या होगा, हम सही काम करेंगे, हम बुराई से दूर रहेंगे, हक के उसमें इंतखाब में भी हम सही सिमत में चलेंगे, और उसके अलावा हमें ताईद इलाही हासिल होगी और अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक नसीब होगी। तो हम जो काम भी करें अल्लाह ताला के नाम से करें कि वो बहुत मेहरबान है। तो इस वजह से ये नहीं कहा गया कि अल्लाह के नाम से हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहमान और रहीम है, जो बहुत मेहरबान है। उसके बाद पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र, हम्द के माने शुक्र और तारीफ दोनों के होते हैं। शुक्र और तारीफ, और वो शुक्र और तारीफ जिसमें मोहब्बत भी शामिल हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का शुक्र हो लेकिन वो तारीफ के काबिल ना हो, या किसी की तारीफ की जाए वहाँ शुक्र के कोई मौका ना हो, लेकिन जब हम अल्लाह ताला की हम्द करते हैं तो उसमें तारीफ भी होती है, उसमें शुक्र भी होता है, उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है। ये तमाम शुक्र, ये तमाम हम्द और तारीफ, ये सब अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए है जो रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला की दोनों तरह की रहमतें, जो आम रहमत है तमाम मखलूकात के लिए, और जो ख़ास रहमत है उसके अपने मोमिन बंदों के लिए। ये तमाम वो रहमान भी है और वो रहीम भी है। अर्रहमान अर्रहीम, वो मेहरबान है। मालिकी यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। जब हमने अल्हम्दो कहा तो वो बहुत मोहब्बत के साथ कहा, और जब अर्रहमान अर्रहीम कहा तो उसकी रहमत से उम्मीद लगाकर, और जब मालिकी यौमिद्दीन कहा तो उसमें एक खौफ की भी कैफियत थी। गोया ईमान के सारे अरकान यहाँ मुकम्मल हो गए, मोहब्बत भी, उम्मीद भी, खौफ भी। ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं हमारे अकीदे के लिए, हमारे ईमान के लिए, वो तमाम चीज़ें इस सूरे में इन आयतों में शामिल हो गई। उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम कहने के बाद, यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान है अल्लाह ताला, और इस दुनिया में हम देख रहे हैं उसकी मेहरबानी। हम अपने हर तरफ जो कुछ भी है हम देख रहे हैं उसकी नेमतें, उसकी आदा, लेकिन इससे इस पूरी उस दुनिया की जो भी मेहरबानियां हैं और जो भी नेमतें हैं, उससे फौरन हमारी तवज्जो को इस दारे फ़ानी से उठाकर दारे बाकी की तरफ मोड़ दी गई इस एक जुमले के ज़रिए। मालिक यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। हमेशा यही नहीं रहना है, हमेशा सिर्फ उसकी रहमत ही नहीं बल्कि अगली जो मरहला आने वाला है उसकी भी फिक्र करना है कि वो है क़यामत
बदले का दिन, वो है यौमुद्दीन, बराबरी का दिन, बदले का दिन, हिसाब किताब का दिन, जिसमें राजा और प्रजा, बादशाह और आवाम, वो सब एक लाइन में खड़े होंगे और वहाँ भी फिर अल्लाह ताला की रहमत ही जलवागर होगी। तो ये है मालिक यौमुद्दीन। दारे फानी से तवज्जो हटाकर दारे बाकी की तरफ फेर दी गई, वो मालिक यौमुद्दीन है। उसके बाद फिर ये तमाम तारीफात बयान करने के बाद अब हम इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु। नअबुदुका नहीं कहा गया कि हम तेरी इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत का मुस्तहिक तो ही है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। और व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। ये दो जुमले जिसमें हर दिल की हर बीमारी का इलाज मिल जाए। जब हम ये इतराफ़ करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरे ही सामने झुकते हैं, जब अपनी बेबसी का एहसास हो जाए कि ये इबादत भी जो करेंगे हम, तो ये जब तक अल्लाह ताला की तौफीक ना हो, उसकी मदद ना हो, नहीं कर सकते। तो फिर आप अंदाज़ा करिए रियाकारी कहाँ से आएगी, तकब्बुर कहाँ से आएगा, खुद पसंदी कहाँ से आएगी। नहीं, यहाँ तो हर चीज़ के तमाम दरवाज़े बंद हो गए, इन तमाम बीमारियों के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, आदमी के अंदर खाकसारी होगी और इखलास होगा, मदद मांगने के गलत तरीके, ये सारी शिरकिया अकायद, इन सब का खात्मा होगा। जब हमने कह दिया कि अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो हम नमाज में कम से कम 17 दफ़ा इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि नमाज से निकल कर फिर हम दूसरों के सामने झुकने लगें, फिर हम दूसरों की खुशामद करने लगें, चाहे वो किसी कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो वली हो, औलिया हो, खबर में हो, चाहे बाहर, किसी के ऊपर भरोसा नहीं होगा, किसी के ऊपर, किसी से आज़ुए, किसी से उम्मीदें नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि तमाम उम्मीदें सिर्फ अल्लाह ताला से और तमाम ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला से, कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तेरे सामने झुकते हैं और हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। अगर ये एहसास हो जाए, तो फिर अगर ये यकीन हो जाए कि वही योम जज़ा का मालिक है और हम उसी की इबादत करते हैं, तो फिर किस चीज़ की कमी महसूस हो, किस बात का कलक और किस बात का गम होगा। अगर हमको यकीन हो जाए कि वो योम जज़ा होना है और वो योम जज़ा का मालिक है, तो अमल में इखलास हो जाएगा, इखलाक में पाकिजगी आ जाएगी। इंसान की तबीयत बदला चाहती है, लेकिन वो बदला बंदों से नहीं तलब होगा। अगर हम क़यामत पर यकीन रखेंगे तो बदले का इंतज़ार होगा, लेकिन अल्लाह ताला से यौमुद्दीन की तैयारी होगी, दुनिया में बदला नहीं माना जाएगा। क्या यकीन होगा, क्या सुकून होगा, क्या हिम्मत और क्या ताकत होगी, अगर ये यकीन हो जाए कि वो मालिक यौमुद्दीन है और हम उसी से मदद मांगते हैं, हम उसी के सामने झुकते हैं, ना हालात के सामने झुकेंगे, ना अफराद के सामने, ना वसवसों से डरेंगे, ना अफसानों और खुराफात से डरेंगे, सिर्फ एक रब की ज़ात, उसी पर ईमान, उसी पर तवक्कुल, उसी पर भरोसा, उसी से मदद मांगना। क्योंकि जब वो रब्बुल आलमीन है, तमाम कायनात का वो मालिक है। जब हमने तारीफ की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको जब रब्बुल आलमीन माना हमने, तो जब हमने यकीन करा कि इस तमाम कायनात के, इन तमाम चीज़ों का जो रब है, वही मेरा रब है, और मैं तमाम मखलूकात की जो भी उनके अंदर ताकतें हैं, वह तमाम ताकतें अल्लाह ताला की दी हुई, और उसी अल्लाह की मैं बंदगी करती हूँ, मैं उसी से मदद मांगती हूँ, तो फिर कौन सी ताकत है जिससे मैं खौफ ज़दा हो सकती हूँ।
ये तमाम मखलूक़ात अगर खुदा की मुती और फर्मा बरदार हैं तो वो मेरी मुआविन होंगी, मेरी भी खैर ख्वाह होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल अहद पे बैठे हुए थे फरमाया, हाज़ा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़, ये जबल, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और अगर ये अल्लाह ताला की नाफरमान है ये मखलूक, तो अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर नहीं निकल सकती। और जब हमने अल्लाह ताला की कुदरत और जब हमने अल्लाह ताला की मदद ले ली, जब हमने उसके ऊपर भरोसा कर लिया, तो फिर कोई खौफ नहीं। अब जब हमने अल्लाह ताला से वादा किया कि हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझसे ही मदद मांगेंगे, तो फिर हम उससे मदद मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते की हिदायत दे। दो लोगों का जिक्र है, मग़ज़ूब अनअमत अलैहिम और मग़ज़ूब अलैहिम। ग़ालिबीन को तो बाद में कहा गया, अनअमत अलैहिम और मग़ज़ूब अलैहिम। हमको उन लोगों के रास्ते पर की रहनुमाई करें, अल्लाह ताला हमें उनके रास्ते पर चलाए जिन पर उसने इनाम फरमाया है, अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये नेक लोग, अल्लाह ताला के नेक बंदे जो कामयाब हुए, अल्लाह ताला हमें उनके रास्ते पर चलाए। अनअमत अलैहिम के मुकाबले में है मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ उनके रास्ते पर चलना है, उनके रास्ते से पनाह मांगते हैं जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, और वो भी जो गुमराह हो गए। उन अल्लाह ताला का गज़ब क्यों नाजिल हुआ? इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इल्म आने के बावजूद उन्होंने ला इल्मी में इबादत करी, अपने आप को जहालत में रखा, इल्म से दूर रखा, मनमानी करी, और जिस तरह से उनकी मर्ज़ी हुई उस तरह से उन्होंने इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी। वालीन हो गए, भटक गए, सीधे रास्ते को छोड़ दिया, जो मज़बूत रस्सी थी जो इंसान को उसकी खुदा से जोड़ने वाली थी उसको छोड़ दिया, जो इस दुनिया को उसके आखिरत की कामयाबी से जोड़ने वाली थी उस चीज़ को छोड़ दिया और वो भटक गए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको उन लोगों के रास्ते से बचाना, हमको ऐसे इल्म से बचाना जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, ऐसे अमल से बचाना जो कबूल ना हो, अल्लाह ताला वो इल्म अता करे जो हमें फ़ायदा देने वाला हो, वो अमल अता हो जो कबूल हो जाए, वो दिल अता हो जिसमें अल्लाह ताला के लिए खौफ हो, खशियत हो, खाकसारी। ये सूरह है जिसको हम दिन में बहुत दफ़ा पढ़ते हैं और रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं भरता, कभी हमें इससे बेजारी नहीं आती, कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, बार बार वही पढ़ रहे हैं। जितनी दफ़ा पढ़ें उतनी ही दफ़ा उसकी मिठास है, और जितनी गहराई में जाएँ उतनी उसमें मालूमात है। तो ये है ये सूरह, अल्लाह ताला हमको इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जब जब हम इसको पढ़ें, हम इसको समझें, हम इसके तकाज़ों को पूरा कर दें, हम अपने रब की रहमत और उसकी मेहरबानी को याद रखें, और हम याद रखें कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रहमती वसअत गज़बी, गुस्सा पीछे रह गया, रहमत छा गई हर चीज़ पर। किताब का आगाज़ किया अल्लाह ताला ने अपने अर्रहमान अर्रहीम के नाम से, तो हमको भी, हमारे लिए भी यही ज़ेबा है कि हम अल्लाह के बंदों के साथ मेहरबानी का सलूक करें। वो जो मालिक यौमिद्दीन है वो हमारे साथ मेहरबान है, तो हम क्या हैं जो हम गुस्सा दिखाएं, या हम अना दिखाएं, या हम किसी के ऊपर जुल्म करें, या हम किसी चीज़ का हमको तकब्बुर हो या गुरूर हो। अल्लाह ताला हमारे अंदर खाकसारी अता करे, हमारे दिलों में रहम अता करे, हम ज़मीन वालों पर रहम करने वाले हों, हम अल्लाह के बंदों पर रहम करने वाले हों, हमारे दिल में नरमी हो, और अल्लाह ताला हमको दिल की सख्ती से और दिल की बदबख्ती से, अल्लाह ताला हमको दिल की सख्ती से और बदबख्ती से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिजमीअल मुस्लिमीन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन।